हरि ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। इस समय पर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपको लेकर के क्या हैं? ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो प्लीज टेक इट एज अ जनरल रीडिंग ओनली। ठीक है, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ये उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ऑल दो जो लोग मेरे स्पिरिट गाइड से और मुझसे काफी टाइम से कनेक्टेड है, उनके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस तो हमेशा ही निकल के आते हैं। ठीक है, एंड आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, ये रीडिंग सभी के लिए है। वेदर यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है, जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इन टू देयर एनर्जी। एंड लेट्स सी आज के दिन में इस व्यक्ति की ऊर्जा आपके टूवर्ड्स कैसी है। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। लेट्स सी आज के दिन में इस समय में। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक पंजा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को या तो फंसाना चाहता है या ट्रैप करना चाहता है या बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है किसी की तरफ से, जिसको कि कंट्रोल में लाने की जरूरत है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन जो है या कुछ एनर्जी जो है वो नेगेटिव दिखाई दे रही है, और नेगेटिव एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि बाहर नहीं निकल पा रही है, अंदर ही ट्रैप हो रही है और एक के ऊपर एक जैसे परत दर परत चढ़ती जा रही है। जैसे एक बुरा विचार आया माइंड में, उसके बाद एक और नेगेटिव थॉट आ गया, फिर एक और नेगेटिव थॉट आ गया, और फिर ये पर्सन जो है किसी ऑटम टाइम के बारे में सोच रहे हैं, विंटर टाइम या ऑटम टाइम के बारे में सोच रहे हैं। मे बी ये एंड वी आर एक्चुअली स्टेपिंग इन टू द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में हम लोग एंटर भी करने वाले हैं, ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, सितंबर शुरू होने वाला है। सितंबर अक्टूबर के महीने शायद काफ़ी सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, और ये जो अब सर्दियाँ आने वाली हैं 2023 की, जो विंटर्स हैं, जो लोग अभी देख रहे हैं ये रीडिंग उनके लिए है, जो लोग बाद में देख रहे हैं उनके लिए जो नेक्स्ट विंटर्स आने वाली होंगी वो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, या जो नेक्स्ट ऑटम सीजन आने वाला होगा वो सीजन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये बर्थडेज हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकते हैं, या इस समय में ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे लेटर एफ, लेटर एल, लेटर ई बन गया है। ये जो है ये पर्सन हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हों, आप इनके लिए कुछ इमोशंस रखते हो अपने मन में, इस तरीके की सिचुएशन है। या ये पर्सन जो है आपके आपको पसंद करते हैं और आप कुछ आगे का नहीं सोच पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन भी बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ता चला जा रहा है, आपको कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें आपके सामने जो है वो क्लैरिफाई हो रही हैं। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपको ना अनविलिंगली कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। पता नहीं क्यों बार बार, जैसे शुरू से ही, जैसे आप लोगों की रीडिंग शुरू हुई है उसमें पहले ही पंजा बन गया है, और लाइक अ चिकन फुट। चिकन फुट की तरह, हुडू में हम लोग चिकन फुट को यूज करते हैं ऑरा क्लेंसिंग करने के लिए, बिकॉज चिकन्स दे यूजुअली डिग द फ्लोर। ऐसा भी हो सकता है कि ये पास्ट की कोई बात उखेड़ने वाले हैं, पिछली कोई बात, पिछली कोई एनर्जी जो है उसको उखेड़ने वाले हैं, पुरानी किसी बात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, या पुरानी चीजों को लेकर के ये परेशान होने वाले हैं। अगर आपकी इस व्यक्ति से बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये पर्सन डेफिनेटली बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं, बीते हुए समय के बारे में सोच रहे हैं, और वो सोच करके इनको बीच में कभी बहुत ज्यादा एकदम गुस्सा आ जाता है, कभी ये होपफुल हो जाते हैं एकदम कि ठीक है। एक टाइम पर हो सकता है कि चीज़ें हमारे बीच में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन उनके सुधरने के चांसेस अभी भी हैं। एक बिचौलिए की ज़रूरत पड़ेगी, एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, ये बात किसी पर्सन के माइंड में आ रही है। दूसरा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है
कान मुझे सुनाई, ऐसा लग रहा है जैसे ईयर्स के ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कोई। एंड अगेन वी हैव, आप लोगों की रीडिंग में वेनिंग मून की बारिश हो जाती है हमेशा, ये पर्सन अधूरे हैं ऑफ कोर्स आपके बिना, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू, और कान भरे जा रहे हैं किसी के, या कोई किसी की बातों में आ गया है, किसी ने बिना सोचे समझे किसी की बातों पर विश्वास कर लिया है और उसके ऊपर एक्ट कर लिया है। ये सिचुएशन बन गई है बहुत सारे लोगों के लिए और ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। इसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं, आपको अपना तर्क देने का समय नहीं दिया गया है, मौका नहीं दिया गया है, आपको अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन नहीं करने दिया गया है, या अगर ये सामने वाला पर्सन अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है तो आप उस चीज के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हो। समहाउ एक ट्रस्ट की कमी ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस इंसान को ये भी लग रहा है कि आप काफी हद तक इनकी तरह हो। एक मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि आप और ये सामने वाला पर्सन, आप लोग की जो एनर्जीज है वो मिरर हो रही है, एकदम सेम मिरर हो रही है, या आप लोगों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा मैच करती हैं, बट स्टिल जैसे होंठ सिले हुए हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो अगर आप इनको प्यार करते हो या इनको पसंद करते हो, प्यार तो बहुत टाइम के बाद वो इमोशंस डेवलप होते हैं, लेकिन अगर आप इनको पसंद भी करते हो तो ये सामने वाला व्यक्ति भी आपको पसंद करता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनकी भाई अपनी कोई लाइफ में कोई इनकी मजबूरी चल रही है, कोई इनकी परेशानी चल रही है, जिसकी वजह से ये खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं आपको कि इनके मन में क्या इमोशंस हैं। हो सकता है कि इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है कि उनका कोई पुराना रिश्ता है जो अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, या कई बार ऐसा भी होता है कि एक टाइम पर इंसान दो लोगों के लिए महसूस करता है, दो लोगों के लिए इमोशंस रखता है और इस वजह से वो किसी एक को भी प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पाता है। ये सिचुएशन भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ में चल रही है। ये अभी की एनर्जी निकल के आ रही है जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो पुटिंग यू इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। ये व्यक्ति आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इनका शायद बिहेवियर ऐसा है कि आज एक बारी में आपसे बात करेंगे आपको लगेगा कि हाँ हाँ एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, और अगली बारी आपसे बात करेंगे और आपको पूरा डाउट हो जाएगा कि पता नहीं आने वाले कल में हमारे बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। यू गेट वेरी वेरी कन्फ्यूज, दे मेक यू वेरी वेरी कन्फ्यूज, आपको बहुत कन्फ्यूजन में ये डाल देते हैं। ओके, इमोशंस को ये अपने अंदर ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये इमोशंस इनके बहुत टाइम तक शांत रहेंगे नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके इमोशंस जो हैं वो निकल के आ जाएंगे बाहर, और ये स्पेशली ये मैसेज अगेन उनके लिए है जो अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगर ये व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो आपके टूवर्ड्स में छुपा रहे हैं, तो ये फीलिंग्स आने वाले कुछ टाइम में ही एकदम से ब्लास्ट आउट होकर के बाहर आने वाली हैं। आई सी दिस पर्सन क्राइंग एंड कन्फेसिंग समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये रो रो करके कुछ कन्फेस कर रहे हैं, और आज की रात में इनको कुछ ऐसे बहुत इमोशनल ड्रीम्स भी आ सकते हैं। ओके, रात की बात हुई है तो जो लोग अभी आज के दिन में ये वीडियो ये रीडिंग देखने वाले हैं, ब्लू मून रिचुअल जो मैं आप लोगों की हेल्थ वेल्थ और लव सिचुएशंस हर किसी चीज के लिए ही मैंने रखा था, उसकी सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं, ऑल द स्लॉट्स आर बुक्ड। सो अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई रिचुअल करूंगी तो आप लोगों को अपडेट कर दूंगी, ठीक है। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आंखों में आंखें डाल करके आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, या ये बहुत सॉफ्ट भी फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके वेलबींग के लिए ये जिम्मेदार हैं। अब ये मैसेज किस पर्सन के लिए पता नहीं, किस कपल के लिए आ रहा है, लेकिन एक जगह यहाँ पे बड़े क्लियर सा ये मैसेज आ रहा है, जैसे ये पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि आपकी वेलबींग के लिए या आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और या इनको आपका सहारा बनना है इस टाइम पर और आगे भी इनको आपको सपोर्ट करना, इस तरीके के इमोशंस इनके माइंड में हैं और प्रोबेबली आज के दिन में आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पर आप ये रीडिंग देख रहे हो उस समय पर ये व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहे हो। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जैसे इनका जो अटेंशन है ना वो अभी फिलहाल आज के टाइम में बहुत जगहों पर बटा हुआ है,
बहुत जगहों पर बटा हुआ है। कभी ये अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, कभी ये किसी और सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, कभी किसी और सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, कभी आपके बारे में सोच रहे हैं। और प्रॉबेबली पिछले कुछ टाइम से हो सकता है कि इस तरीके की इनकी एनर्जी चल रही है। कुछ टास्क या कुछ मे भी कुछ असाइनमेंट, सम प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, किसी चीज़ के ऊपर ये काम कर रहे हैं, किसी अपने गोल के ऊपर ये काम कर रहे हैं। एंड दे आर वेरी बिजी, वेरी वेरी बिजी। अभी फेस्टिव सीजन भी शुरू हो गया है, सो मे बी उस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो, कोई फैमिली सिचुएशन हो या रिलेटिव्स के साथ में हो सकता है कि मिलना जुलना चल रहा हो, तो वहाँ पे इनका माइंड जो है वो बिजी है। अगेन अ कन्फर्मेशन, अ वॉल विच इज मेल्टिंग, एक दीवार जो धीरे धीरे पिघल रही है, और ये पिछली कई रीडिंग्स में आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो दिस इज अ गुड साइन, अच्छा साइन है। एंड गाइस, फिलहाल आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आप लोगों के कुछ हेल्प हुई हो, आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, या अगर कोई सवाल आपके मन में उठ रहे थे तो उनके आंसर्स आपको मिले हों। कोर्सेज के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, डिटेल्स जो है वो सारी है स्क्रीन पर ऑलरेडी मैंशनड है। पर्सनल कंसल्टेशन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, देर आर ऑफर्स गोइंग ऑन। आज लास्ट डे है फॉर दी ऑफर। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। मेरी तरफ से आप सभी को, आप सभी की फैमिलीज को अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। खूब एंजॉय कीजिए, खूब खुशियां मनाइए अपनी फैमिलीज के साथ में। एंड यस गाइज, लूना एंड सबरीना सेवन में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था। लूना एंड सबरीना के और भी पोस्ट और प्यारे प्यारे उनके जो वीडियोज़ हैं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी वेरी सून। मैंने उनके लिए एक अलग से पेज भी क्रिएट किया है, एक इंस्टाग्राम हैंडल उनका क्रिएट किया है। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उनकी जो प्यारी प्यारी शैतानियाँ हैं ना, वो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हो। नमस्ते, टेक केयर।